सब कुछ बदल दिया है, कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है। उत्तराखंड के वो गांव जहां अपनापन लगता था, जहां पे आप किसी के घर पे भी जाओ तो एक अपनेपन सा लगता था, जहां देवी देवताओं का एक मंदिर होता था घर के किसी कोने में, आज वहां मेरे जो ठीक पीछे ये गांव है, मैं आपको दिखाता हूँ, सामने वो है, सामने यहाँ से 5-6 गांव है वहाँ पे, तो वहाँ पे पजाना करके एक गांव है। और यार मतलब एक ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हमारे खुद के गांव में, या फिर खुद के मतलब एक गांव में कह सकते हो, ऐसे हुआ है कि मतलब जहाँ पे एक ही गाँव में 10 कोरोना पॉजिटिव निकले हुए हैं। और बड़ा बड़ा मतलब एक बहुत बेकार लगता है, वहाँ को पूरी तरह से सील कर दिया गया एक हफ्ते के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो है मतलब कोरोना पॉजिटिव का जो रेट है वो कम से कम 2% बढ़ रहा है। आज की डेट में आप लेके चलो तो 409 केस अभी उत्तराखंड में हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मतलब लोग हल्के में ले रहे हैं, आप मतलब यकीन नहीं कर सकते हो। मैं 2 महीना बाहर अभी रहा हूँ, दिल्ली से मैं आ रहा हूँ, और भगवान का शुक्र है कि सेफ तो नहीं कह सकता, बट हाँ सिम्टम्स मेरे पे नहीं है, और दुआ करता हूँ कि आगे भी ना हो। हालात देखे मैंने बाहर दिल्ली में कि लोग दूरियाँ बना के रहते हैं, और कैसे मास्क वगैरह 24 घंटे पहन के घर पे हो चाहे बाहर हो मास्क उनका लगा ही रहता है, लेकिन यहाँ पहाड़ों में कुछ है नहीं ऐसा। बाइक में देख रहा हूँ मेरे सामने रोड है, लोग घूम रहे हैं, 3-3 लोग घूम रहे हैं, और बस मास्क जो है केवल नाम के लिए पहना हुआ है ताकि लोग देखेंगे तो हाँ मास्क पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर 0। और लोग मतलब सोचते हैं कि गाँव में हम लोग यहाँ पे हैं तो मतलब उतना मतलब इसका जो है प्रभाव होगा नहीं, ये बीमारी कोई गांव नहीं देखता है, ये बीमारी कोई राज्य नहीं देखता है, ये बीमारी कोई इंसान को नहीं देखता है, गरीबी अमीरी नहीं देखता है, और ये कहीं से भी कहीं आ सकता है। ये ना ही दिल्ली की फैक्ट्री में बना है, ना ही मुंबई के किसी कारखाने में बना है, ये बाहर से आई हुई बीमारी है और ये इंडिया में आई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप किसी आदमी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि ये बाहर से ला रहे हैं, दिल्ली से ला रहे हैं, मुंबई से ला रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था ये कि मतलब आप खुद को मतलब सेफ रखो, खुद को आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, क्योंकि बाहर दूसरा बंदा जरूरी नहीं कि वो बाहर से आया हुआ हो, वो सब किसी दुकान में कोई भी सब्जी ले सकता है, सामान खरीद सकता है दुकान में, और वो सामान शायद मतलब किसी जो बाहर रामनगर दिल्ली से आया हुआ हो तो उससे भी कोरोना संक्रमण फैलने के चांसेस हैं। आप खुद पे बस ये देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें और मास्क पहन के रखें, और कहीं भी जा रहे हो तो बड़ा बेकार लगता है यार कि मतलब कैसे बीत रहा होगा, सुन के देख के बड़ा बेकार लगता है यार, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे कि बस, और ये तो पास में ही है, जस्ट मेरे सामने ही हमारा पजाना है, मैं इस पूरे पहाड़ को अपने घर से देखता था, मतलब इतना खूबसूरत पहाड़ है, और नाइट का जो इसका व्यू है वो भी बहुत ज़बरदस्त दिखता है, आप देखिए नाइट का कितना सुंदर दिखता है। वो देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये मसूरी नहीं बस, ये बहुत अच्छा दिखता है, देखिए क्या लाइट है चमक रही है रात को, ऐसा लग रहा है मानो कोई पहाड़ी नहीं है वहाँ पे, और कोई जंगल है, मतलब टॉर्च लेके बैठा हुआ है। लेकिन एक लगता है यार, क्योंकि हम जो पहाड़ी होते हैं उनके घर सब जैसे होते हैं सेम, और जो पहाड़ियों की बात होती है, उत्तराखंड वालों की बात होती है, वो भी कहानी सबकी एक जैसी होती है, इसलिए उनका गांव हो चाहे हमारा गांव हो चाहे किसी का भी गांव हो, अपना पहाड़ पहाड़ होता है, बस सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और अपना ख्याल रखिए।